तो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 50 हो रहा था, दिल्ली के बेटर्स वर्सेस सीएसके, गुरु और चेला का भाई आज मैच था। सीएसके का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत भाई महेंद्र सिंह धोनी को अपना गुरु मानता है। तो इस गुरु शिष्य के मैच पे भाई यहाँ पर शिष्य ने जीत हासिल कर लिया है। बहुत ही उम्दा और तगड़ा मैच खेला है भाई दिल्ली कैपिटल्स, एकदम अंत मोमेंट पर अपना जीत उन्होंने हासिल किया और मैच बहुत ही सॉलिड था, बहुत ही स्ट्रांग था मैच देखने में भाई। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम लोग इंटरटेन हुए इस मैच से। और इसके बाद चलिए हम लोग एक बार मैच स्टोरी के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। तो भाई इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की डिसीजन लिया और अच्छा बॉलिंग का मुजहरा हमें देखने को मिला कुछ देर तक। भाई फटाफट विकेट गिर गया था सीएसके का, लेकिन अंत में आते थे भाई रायडू ने पारी को संभाल लिया था सीएसके की तरफ से। साथ साथ भाई महेंद्र सिंह धोनी का भी यहाँ पर साथ मिला था रायडू को। तो आज जो ओपनिंग जोड़ी था भाई सीएसके का, गायकवाड और दोनों ही नहीं चला है क्योंकि दोनों ही भाई बहुत जल्द आउट हो गया था पावर प्ले के अंदर ही। ऋतुराज गायकवाड सिर्फ भाई 13 रन बनाया था और डुप्लीसी ने 10 रन बनाया था। तो पहला विकेट भाई 28 रन पर गिर गया था और दूसरा विकेट 39 रन पर गिर गया था सीएसके का। उसके बाद भाई आज रॉबिन उथप्पा को मौका मिला था सीएसके की तरफ से, शायद इस सीजन में पहली दफ़ा उनको मौका मिला था। तो उन्होंने भी भाई कुछ देर तक ट्राई किया था मैच को संभालने के लिए, लेकिन भाई उनको भी आउट कर दिया था अश्विन ने। 19 रन उन्होंने बनाया था सीएसके के लिए। उसके बाद मोइन अली को भी भाई आउट कर दिया था अक्षर पटेल ने, लेकिन भाई रायडू और धोनी ने मैच को संभाल लिया था। रायडू ने 55 रन का एक पारी खेला है। महेंद्र सिंह धोनी भाई बहुत सारा बॉल ले लिया था, लेकिन भाई वो रायडू का साथ दे रहा था। महेंद्र सिंह धोनी 27 बॉलों में सिर्फ 18 रन बनाया था। उसके बाद भाई रविंद्र जडेजा आया था एकदम लास्ट ओवर में, तो उनके पास भाई ज़्यादा मौका नहीं था। तो रायडू और जडेजा ने मैच को फिनिश किया। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो भाई डीसी की तरफ से सबसे शानदार बॉलिंग किया है भाई अक्षर पटेल ने, क्योंकि उन्होंने 2 विकेट चटकाए, सिर्फ 18 रन दिया है 4 ओवर में। इसके अलावा भाई नॉटेज ने 1 विकेट लिया था। उसके बाद अभिष खान ने भी भाई अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन उनको आज थोड़ा पिटाई हुआ, उन्होंने भी 1 विकेट चटकाया। और यहाँ पर भाई अश्विन को 1 विकेट मिला था, रबाडा को विकेट नहीं मिला था, लेकिन भाई रबाडा ने भी अच्छा अपना योगदान दिया है एज ए बॉलर इस मैच पे। और इसके बाद अगर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की मैं बात करूँ तो भाई दिल्ली कैपिटल्स का शुरुआत बहुत ही अच्छा हो गया था। पृथ्वी शॉ और धवन ने अच्छा शुरुआत किया था और उनका पहला विकेट भाई 24 रन पर ही गिर गया था, लेकिन भाई तब तक शॉ ने 18 रन बना दिया था 12 बॉल में, 3 चौका उन्होंने लगाया था। धवन भाई धीरे धीरे खेल रहा था, पारी को संभाल रहा था, लेकिन भाई आज श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी आउट हो गया था। और इसके बाद भाई पंत आते ही वो अपना ताबड़तोड़ खेल दिखाने की भाई कोशिश किया, लेकिन भाई उनसे भी ज़्यादा देर नहीं हो पाए, सिर्फ 15 रन उन्होंने बनाया था और उनको भाई रविंद्र जडेजा ने अपने जाल में फंसा लिया था और उनको आउट कर दिया। मोइन अली ने एक शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा था। उसके बाद भाई एक डेब्यूटन हुआ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रिपल पटेल का, और उन्होंने भी भाई अच्छा एक पारी खेला, 18 रन का पारी था लेकिन बहुत ही वाइटल था। उसके बाद भाई अश्विन को आगे भेज दिया, जहां पर भाई हिटमैन और अक्षर मौजूद था, लेकिन यहां पर भाई पहले अश्विन आ गया था, लेकिन भाई उनसे भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2 रन बनाया। उसके बाद भाई हिटमायर और अक्षर आकर पारी को संभाला था और उन्होंने ही भाई इस पारी को ख़त्म किया। हिटमायर बहुत ही मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाया है, बहुत ही संभाल कर खेला उन्होंने, और उनकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि इस मैच पे दिल्ली को एक अच्छा जीत मिला है। भाई दोनों टॉप टीमों के बीच आज मैच हो रहा था पॉइंट टेबल में अगर देखा जाए, और दिल्ली इस मैच को जीतने के बाद अपना पोजीशन चेंज कर लिया हो, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो भाई हिटमायर ने 18 बॉल में 28 रन बनाया था, 1 छक्का और 2 चौका। उसके बाद भाई अक्षर पटेल ने भी उनका अच्छा खासा साथ दिया था, लेकिन भाई लास्ट ओवर में गिर गया था विकेट, शायद लास्ट ओवर में 6 बॉल में 6 रनों का ही दरकार था और यहां पर भाई फिर से फंस रहा था लास्ट ओवर में दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल का विकेट गिर गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद भाई रबाडा आया और भाई यहां पर एक ख़राब बॉल डाला डीजे ब्रावो ने, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिला रबाडा के बैट से, शायद वो बायरन था या कोई नहीं, भाई रबाडा ने एक चौका लगाकर इस मैच को फिनिश किया। और यहां पर मैं दाद देना चाहूंगा भाई सिमरन हिटमायर का, क्योंकि उनके वजह से ही कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का नया इस मैच पे पार लगा है, नहीं तो भाई
पूरी तरीके से मैच फंस रहा था और सीएसके की तरफ झुक रहा था। जब भी भाई डीसी कमबैक करने की कोशिश कर रहा था वहीं पर ही उनका विकेट गिर रहा था और सीएसके दूसरी तरफ कमबैक कर रहा था। और इसके बाद अगर सीएसके की टोटल बॉलिंग को देखा जाए तो भाई रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिला था, उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी भाई 2 विकेट चटकाया था, इसके अलावा दीपक चहर को 1 विकेट, उसके बाद हेजलवुड को 1 विकेट और डीजे ब्रावो को भी भाई 1 विकेट मिला था इस मैच पे। तो इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट तो भाई ठीक ठाक ही था, लेकिन आज भाई बैट्समैन फेल हो गया था। जो शुरुआत दे रहा था ऋतुराज और फाफ डुप्लेसी वो आज नहीं मिला सीएसके को, इसीलिए भाई थोड़ा बहुत उन्होंने कम रन बनाया और उसका एडवांटेज यहाँ पर भाई दिल्ली कैपिटल्स को मिल गया था और उन्होंने इस मैच पे जीत हासिल किया। अब चलिए हम लोग एक बार पॉइंट टेबल को देख लेते हैं फटाफट। तो आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट टेबल में एकदम टॉप पर पहुंच चुका है दिल्ली कैपिटल्स। 13 मैच पे उन्होंने 20 पॉइंट हासिल कर लिया है और उनके नीचे भाई सीएसके 13 मैच पे 18 पॉइंट हासिल किया है। तो दोनों टॉप टीमों के बीच आज भाई मुकाबला हो रहा था और भाई जो सेकेंड पोजिशन पर था वो चला गया है पहले पोजिशन पर। बहुत ही शानदार मैच था, दोनों गुरु और शिष्य का जो मैच था भाई हमें देखने में मजा आया। आपको आज मैच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो के एंड करता हूँ यहीं पर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।